हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां हम आपको आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको हर वो टॉपिक देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हर वो सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जोग्राफी GS का हो पार्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, तो वो हर पार्ट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लेट हो रहा है, कुछ क्लासेस अभी नहीं हो पा रही, वो भी होंगी आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं, सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। सिलेबस की कोई चिंता मत करिएगा, हिंदी का सिलेबस लगभग लगभग आधा ख़त्म हो गया है, हिंदी का सिलेबस लगभग आधा ख़त्म हो गया। आधा करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस संधि बचा हुआ है, उधर 10 छंद अलंकार बचा हुआ है, एक आधा टॉपिक उधर वन वर्ड होता है ना, अनेक वाक्यों के एक वाक्य, वो सब तो रट्टा मारना मैं दे दूंगा किसी दिन, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद पर्यायवाची आप देखते रहिए, वैसे मैं देता रहता हूँ लेकिन अभी नहीं दे पाया 2-3 क्लास से, क्योंकि क्लासेस लंबी हो गई थी, ठीक। और आपका जियोग्राफी चल ही रहा है, जियोग्राफी कल क्लास नहीं हुई थी लेकिन आज तो शायद होगी, मैम ने मैम से मेरी बात नहीं हो पाई लेकिन होगी जहाँ तक है। और मैथ भी आपका जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है SSC GD के लिए, और जो UP SSS का जो एग्ज़ाम है वीडियो वाला, उसमें ज़्यादा मैथ तो आएगी नहीं, बस रीजनिंग आप तैयार करो, हिंदी तैयार करो और GS तैयार करो। और GS का UP स्पेशल हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में हम, तो आज की जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास 12वीं क्लास है, बाकी की 11 क्लास हम कर चुके हैं पीछे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से क्वेश्चन बनते हैं जो हमने किया है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और आप देख जरूर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें और आप हमारी अपकमिंग वीडियोज़ को आसानी से देख सकें, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, कल वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, जो ब्लड रिलेशन था उसी की तर्ज पे जो आज का टॉपिक है उसी की तर्ज पे है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, कोडेड रिलेशन है, सांकेतिक संबंध, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, बिना क्वेश्चन के तो हमको समझ नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगा कहाँ से, ये तो पता ही है सभी को, बिना प्रैक्टिस के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पहले इसमें देखो दिया क्या रहता है कि ऐसे दिए रहते हैं, जो कंडीशन आपको ऊपर दिखाई दे रही है पेज पे, वही ऐसे कंडीशन दे, जैसे P+Q दिया है, आपका संकेत दिया है ना, P+Q, पी पिता है क्यू का, प्लस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि पी जो पिता है वो क्यू का है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो पी जो है वो भाई हो जाएगा क्यू का, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का संकेत क्या दर्शाता है, भाई है क्यू का, माइनस दर्शाता है पी माता है क्यू का, और डिवाइड दर्शाता है कि जो पी है वो बहन है क्यू की, और स्टार दिखाता है पी पुत्र है क्यू का, और P HQ पी पुत्री है क्योंकि, तो ये आपका कोडेड रिलेशन आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ये कोडेड रिलेशन आपका दिया रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, तो जैसे ये दे दिया आपका कि, दे दिया है क्वेश्चन आपका कि A+B×C/D*EHF, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार रिलेटेड है या फिर संबंधित है, ठीक। तो देख लेते हैं, तो सबसे पहली बात अगर देखें तो P+Q का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे पी पिता है क्यू का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो पिता है किसका, बी का, ये क्या हो गया, कौन हो गया, पिता हो गया बी का। उसके बाद कह रहा है B×C, तो P+Q, तो पी भाई है क्यू का, तो बी जो है वो किसका भाई हो गया, सी का भाई हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि C/D, तो P/Q=P बहन है क्यू की, तो सी जो बहन हो जाएगी वो डी की हो जाएगी, सी हो जाएगी बहन डी की, और बी की भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है D*E, P*Q=P पुत्र है क्यू का, तो डी जो है वो ई का क्या हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। तो ये अगर पिता है, ये अगर पिता है तो ये माँ होगी, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत, ये अगर पिता है तो ये माँ होगी क्योंकि इनके बच्चे ही हैं, तो ये ई माँ हो गई। उसके बाद कह रहा है कि ई हैच एफ,
तो जो पी है, पी है क्यू बराबर पी पुत्री है, क्योंकि तो ई जो है वो पुत्री है किसकी, एफ की, तो ये इस इनकी पुत्री हो गई, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, ये ई जो है वो पुत्री हो गई एफ की। तो ए और एफ में क्या संबंध हो जाएगा, इनमें और इनमें पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, और पत्नी की माँ, माँ तो इसकी इनकी तो सास हो जाएगी, लेकिन इनका संबंध इससे क्या हो जाएगा, इसका ये दामाद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो क्या कह रहा है कि ए स्टार बी डिवाइडेड बाय सी हैच डी प्लस ई, उसके बाद अगेन स्टार है एफ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी, तो पी भाई है क्यू का, तो ए जो होगा वो बी का भाई हो जाएगा, ए जो है वो मान लो बी का भाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ए जो है वो बी का भाई होगा, बी का भाई होगा, बी डिवाइडेड बाय सी, तो पी जो बहन हो जाएगी सी की, ठीक है, पी बहन हो जाएगी सी की, तो पी हो गई सी की, क्या हो गई, ये बहन हो गई। उसके बाद सी हैच, सी हैच डी, तो सी हैच डी है, तो सी सी पुत्री हो जाएगी, सी भी जो हो जाएगी वो पुत्री हो जाएगी किसकी, डी की, तो ये डी की कौन हो गई, पुत्री हो गई, डी इनकी क्या हो गई, माँ हो गई। उसके बाद कह रहा है डी प्लस ई, तो डी जो है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ चलिए सही है, तो डी जो है वो ई का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ई का जो है वो ये पति हो जाएगा, ठीक है, ई का जो है क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। उसके बाद ई स्टार हैच, ई स्टार एफ, तो पी पुत्र है क्यू का, ई स्टार एफ, ई स्टार एफ नहीं होगा शायद, देख लेते हैं एक मिनट क्वेश्चन में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, हाँ डी प्लस ई, डी प्लस ई का मतलब होता है डी जो है वो पिता है ई का, ये पति नहीं यहाँ पे, सॉरी गलती से पिता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी जो है वो पिता हो जाएगा ई का, और पी क्यू, पी पुत्र है क्यू का, तो जो ई है वो पुत्र हो जाएगा एफ का, ई जो है वो पुत्र, पुत्र पुत्र हो जाएगा एफ का। फिर से देख लेते हैं, देखो ए क्रॉस बी, तो ए हो गया बी का भाई, उसके बाद बी डिवाइडेड बाय सी, बी हो गई सी की बहन, उसके बाद सी हैच डी, तो सी जो है वो पुत्री हो गई डी की, उसके बाद कह रहा है डी प्लस ई, तो डी हो जाएगा पिता ई का, और ई स्टार एफ, तो ई जो है वो पुत्र हो जाएगा एफ का। तो ए और एफ में रिलेशन पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि, तो चलो देखो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे स्टार नहीं, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई है, क्या है, केवल मल्टीप्लाई है, हमने क्वेश्चन सही किया है, गलती से यहाँ पे स्टार लग गया था, ठीक है। तो देखो ये पूरे क्या हो गए, भाई बहन हो गए, उसके बाद इनका जो पिता हो गया ये डी हो जाएगा, क्योंकि ई का भी पिता है, ठीक है, और इनके बच्चे ये हैं, तो ये भी आपस में ये क्या हो जाएगा, ये भी एक भाई हो जाएगा इनका, और एफ का रिलेशन इसे क्या हो जाएगा, माँ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिता है तो ये माँ हो जाएगी, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, माँ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आसान टॉपिक है, आपको आता है, बस मैंने ऐसे ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में कभी कभी निकल जाता है इसलिए बता दे रहा, ठीक है, और कोई मेरा वो नहीं था। तो ए जो है स्टार, ए स्टार बी हैच सी माइनस डी प्लस ई डिवाइड बाई एफ, ए स्टार बी हैच सी माइनस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई एफ। ओके, तो दैट्स द क्वेश्चन, अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से। अगर ए स्टार है बी, तो ए जो है वो पुत्र होगा बी का, तो ए जो है वो पुत्र होगा किसका, बी का, ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है बी जो है वो हैच सी, तो बी पुत्री है क्यू की, तो बी जो है वो पुत्री है सी की,
बी बी का पुत्र ए है और सी जो सी बी सी की पुत्री बी है, उसके बाद सी माइनस डी, तो सी जो है वो माता है डी की, जो सी जो है वो माता है, ये माँ है इसकी डी की, डी की कौन है, ये माँ है डी की, माँ है ठीक है, डी की कौन है, माँ है, और ये सी की कौन है, पुत्री है, और ये ए का कौन है, पुत्र है, बी का पुत्र है। उसके बाद देखते हैं डी प्लस ई, डी प्लस ई दिया है पी पिता है क्यू का, तो डी पिता है, डी जो है वो पिता है ई का, डी जो है वो पिता है ई का, डी जो है वो पिता है ई का, और ई डिवाइडेड बाई एफ, ई जो है वो बहन है एफ की, तो ई जो है वो बहन है एफ की। तो अगर देखा जाए हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ये तो माँ हो गई, इनकी भी माँ है और डी ए बी की भी माँ है और डी की भी माँ है, तो इनमें आपस में क्या संबंध हो जाएगा, इनमें आपस में भाई बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है, इनमें जो संबंध हो जाएगा वो भाई बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये इनमें जो संबंध हो जाएगा, सी जो है माँ है डी की और बी की भी माँ है, तो बी और डी में संबंध हो जाएगा भाई बहन का, और डी का, डी के ये क्या है, बच्चे हैं, डी के बच्चे ये हैं और बी का जो ये पुत्र है, तो ए और एफ में क्या संबंध हो जाएगा, नहीं एफ का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ए का एफ से संबंध नहीं निकाल सकते, बिकॉज कि एफ का हमें क्या नहीं पता है, एफ का हमें लिंग नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन पूछ रहा है रिलेशन कि ए एफ का क्या है, तो ए तो हमको पता है कि लड़का है, तो वो क्या हो जाएगा, चचेरा, चचेरा भाई, ठीक है, मतलब कि बुआ का, एफ के बुआ का लड़का, तो क्या हो जाएगा, एफ की बुआ का लड़का चचेरा भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं कि ए एच बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइडेड बाई एफ, ए एच बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइडेड बाई एफ, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ऊपर वाली कंडीशन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, सॉरी, कल से मैं कंडीशन अलग से लिख लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो एच बी का मतलब है कि जो ए है वो पुत्री है बी की, तो लिख लेते हैं ए जो है वो पुत्री है, ए जो है वो पुत्री है किसकी, बी की, उसके बाद कह रहा है बी माइनस सी, तो बी जो है वो माता है सी की, जो बी है वो माता है सी की, तो ये क्या हो गई, बी जो है वो माता हो गई सी की। उसके बाद बोल रहा है सी स्टार डी, तो सी जो है वो पुत्र है डी का, तो सी जो है, एक मिनट, सी जो है वो पुत्र है, सी जो, पुत्र है, पुत्र नहीं पुत्र है, ठीक है, मेल है, क्या है, मेल है, ठीक है, तो सी जो है वो पुत्री है डी का, सी जो है वो पुत्र है, अरे यार, सी जो है, सी स्टार डी का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है पी पुत्र है क्यू का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पुत्र है डी का, तो डी प्लस ई, डी प्लस ई का मतलब होता है डी जो है वो पिता है ई का, डी जो है वो पिता है ई का, ये हो गया पिता। उसके बाद पूछ रहा है ई डिवाइडेड बाई एफ, तो ई जो है वो बहन है एफ की, ई जो है वो बहन है, ये क्या हो गई, बहन है एफ की, तो जल्दी से बताइए ए और एफ में रिलेशन क्या है, ए और एफ में रिलेशन क्या है, एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, या फिर ए जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, देखिए मैं रुक जाइए, ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि एफ का तो ना हमें ना तो ये पता है कि मेल है और ना ही ये पता है कि ये फीमेल है, तो ये तो पूरी कंडीशन नहीं फुलफिल होती है, तो इसका अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो इसमें जो जेंडर है ये पता नहीं है, पहली चीज़ ये ध्यान में रखना। उसके बाद देख लो, बी बी का पुत्री है ए, और फिर जो बी और सी, बी की ये पुत्र है सी, तो इनमें जो है भाई बहन का संबंध हो गया, और इसके ये पापा हो गए,
इसके एक जब सी के पिता है तो ए के भी पिता हो गए, क्योंकि इनकी जो माता है एक ही है तो ये पिता हो गए। फिर इनमें इनकी ई की जो ई के जो पिता है तो इनके भी भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद ए और ये आपस में, एफ जो है वो ई की बहन है, नहीं एफ जो है ई जो है वो एफ की बहन है, ई का एफ का हमने पता है कि वो बहन है या भाई है, ठीक है। तो ए का रिलेशन एफ से क्या हो जाएगा, या तो भाई हो जाएगा या तो बहन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में भाई बहन देता है, भाई और बहन देता है तो यही, और अगर भाई बहन चचेरा मतलब कुछ भी देता है, और भाई बहन नहीं देता है, और अगर एन ओ टी नन ऑफ दीज देता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक था, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, सब कुछ आ जाएगा, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। तो ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइड बाई ई इंटू एफ, यह है क्वेश्चन हमारा सा, हमारा जल्दी से कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब कि ए जो है वो पिता है क्यू का, तो बी और ए ये कौन हो गया, पिता हो गया, ये कौन हो गया, पिता हो गया। उसके बाद बी माइनस सी, तो बी जो है, बी जो है वो माता है सी की, ए पिता है बी का, बी जो है वो माता है सी की, एक मिनट चलो करते हैं, बी जो है वो माता है सी की, सी इंटू डी, सी जो है वो भाई है क्यू का, सी जो है वो भाई है डी का, कौन है, भाई है। उसके बाद कह रहा है डी डिवाइडेड बाई ई, तो डी जो है वो बहन है ई की, डी जो है वो बहन है ई की, ये कौन है, बहन है मतलब फीमेल है, और ई ई इंटू एफ, ई जो है वो भाई है एफ का, ई जो है वो भाई है, ई जो है वो क्या है, भाई है एफ का। तो रिलेशन बताना है कि एफ एफ का रिलेशन ए से क्या है, एफ का रिलेशन ए से क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो बी जो है, बी बी के जो पिता है ए है, और देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो सी सी जो है वो माता है बी की, ये आपस में भाई बहन है, ये जो आपस में है ये क्या है, ये सारे आपस में क्या है, भाई बहन है, ये पूरे क्या है आपस में भाई बहन है, भाई बहन भाई, ये भी इसका देखो या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगा, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा, या तो भाई होगा इनका या तो बहन होगी। तो देख लेते हैं रिलेशन क्या होगा ए का, तो ए की पुत्री का, पुत्री के बच्चे, या ए की पुत्री के बच्चे जो है, अगर लड़का है तो वो नाती हो जाएगा, और अगर लड़की है तो वो क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, ठीक है। अगर लड़का है तो वो नाती हो जाएगा, लड़की है तो नातिन हो जाएगा। तो ये तो हमारा नाती हो गया, ये नातिन हो गई, ये नाती हो गया, लेकिन इसका ना तो मेल पता है ना तो फीमेल पता है, तो ये या तो नाती होगी या तो नातिन होगा, अगर ऑप्शन में दिया है ये दोनों ऐसे करके ऑब्लिक करके तो ठीक है, वरना आपको केवल नाती नातिन में नहीं लगाना है। और दूसरी बात, अगर ये नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज पे टिक लगा देना है, ठीक है, बुला कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, केवल एक क्लास थी इसकी, कल हम दूसरा टॉपिक, कल हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है कभी कभी अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो बाकी तो वो भी बहुत सरल है, रीजनिंग देखिए वाकई में बहुत सरल है, अगर आप करना चाहें थोड़ा सा लग के करिए, कुछ नहीं है रीजनिंग में, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को साफ करना है, थोड़ा सा तेज करना है, और कुछ भी नहीं है रीजनिंग में, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए पसंद आया तो, ठीक है, चलिए थैंक यू।